आगामी काली पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बाबा मनोस्कामना नाथ मंदिर परिसर में नाथनगर चंपानगर क्षेत्र की सभी पूजा समितियों की एक आम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के बैनर तले किया गया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की। बैठक में क्षेत्र में सभी पूजा समितियों के अधिकारी और काली पूजा के आयोजक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष काली पूजा की प्रतिमा स्थापना 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली के दिन की जाएगी। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा 2 नवंबर को ललमटिया चौक से शुरू होकर चंपा पुल घाट तक जाएगी। नाथनगर चंपानगर क्षेत्र में कुल 41 काली प्रतिमाओं की स्थापना होगी, जिनमें से 14 प्रतिमाओं का विसर्जन 1 नवंबर को बंगाली पद्धति के अनुसार किया जाएगा, जबकि शेष 18 प्रतिमाओं का विसर्जन 2 नवंबर को होगा, जबकि सबसे बड़ी बहबलपुर काली प्रतिमा का विसर्जन 3 नवंबर की रात में किया जाएगा। बैठक में पूजा समितियों ने चंपा पुल घाट पर विसर्जन के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की, जिसमें घाट की सफाई, स्लोप की मरम्मत, बैरिकेडिंग, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा शामिल है। नगर निगम से LED लाइट्स लगाने और खराब लाइट्स की मरम्मत की भी अपील की गई। मैं पूजा समिति आज बाबा मनोस्कामना नाथ मंदिर में पूजा समिति एवं काली पूजा के तमाम मेड़पतियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें पूजा समिति की पूरी टीम और काली पूजा के मेड़पति ने सर समिति से पहले क्या समस्या था उन्होंने बताया। सर समिति से निर्णय लिया गया काली पूजा 2 तारीख को विसर्जन किया जाएगा। पूजा समिति के एक सुभाष पार्क और एक घोसीटोला चौक एक विसर्जन मार्ग पे कैंप रहेंगे और सुभाष पार्क से लाइट 7 बजे हमारा नूरपुर की काली सुभाष चौक आ जाएंगे और उनके पाछे सारा मूर्ति लग जाएंगे। हमारे सभी मेड़पतियों ने जो मांग किया है कि जहां जहां मूर्ति बैठ रही है 151 वार्ड में शहरी क्षेत्र में कि जिलाधिकारी महोदय नगर आप से मांग किए हैं सभी स्थानों पर 50 किलो ब्लीचिंग 15 किलो चूना, जहां जहां रोड खराब है वहां रोड दुरुस्त हो जाए, जहां जहां बिजली विभाग से हमारा तार जहां जहां लूज है वो टाइट हो जाए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कटहरा गांव में एक मिठाई व्यवसायी अनुपम देवी के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना सामने आई है। आरोप है कि शराब के नशे में धुत दबंगों ने उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और 30,000 रुपये की लूट कर फरार हो गए। पीड़िता अनुपम देवी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गांव के मनीष कुमार, लव कुमार और नीरज कुमार पर आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि आरोपित लोग उधार में समोसा और जिलेबी मांग रहे थे और नहीं देने पर उन्होंने उनके देवर अमर कुमार के साथ मारपीट की। वहीं जब अनुपम देवी ने अपने देवर को बचाने का प्रयास किया तो दबंगों ने दुकान में रखे सामान को तोड़फोड़ कर 30,000 रुपये और सोने की चकती लूट ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपितों के घर पर छापेमारी की लेकिन वे फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मारपीट करने लगा किसके साथ? देवर के साथ। क्या नाम है देवर का? अमर कुमार। उन्हीं को मारने लगा? कौन लोग मारा? मनीष नाम का लड़का था और नीरज नाम का लड़का। और कौन है? और नीरज और मनीष और लव, तीन आदमी था। तीनों मारा है देवर को। और क्या क्या लिया है? और सामान तमाम सब छिड़िया दिया, पूरे बिखार दिया, फिर भी सब गिरा के तोड़ दिया। और बक्सा जो था वो भी सब पूरा बिखर दिया, पैसा वैसा सब ले दिया। पैसा कितना लिया है? पैसा।
भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड स्थित मीरा चक के नया टोला में एक निजी कोचिंग संस्थान में खतरनाक रसेल बाय पर सांप दिखने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद कोचिंग में पढ़ने वाले करीब 150 बच्चों के बीच भगदड़ मच गई। वहीं सांप को देखकर बच्चे घबराकर कोचिंग से बाहर भागने लगे, जबकि सांप पास की झाड़ियों में जाकर छिप गया। कोचिंग संचालक दीपक कुमार ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया, लेकिन वन विभाग की टीम देर से पहुंची। इस दौरान दीपक कुमार ने साहस का परिचय देते हुए लाठी डंडे की मदद से सांप को पकड़कर एक डब्बे में बंद कर दिया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सांप की लंबाई लगभग 3 हाथ से अधिक बताई गई है। दीपक कुमार के इस साहसिक कार्य की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में डर का माहौल पैदा कर दिया है। बता दें कि रसेल बैपर की लगातार दिखने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है, जिससे स्थानीय लोग वन विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भागलपुर DDC प्रदीप कुमार सिंह ने सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्रखंड कार्यालय परिसर का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपने कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यालय परिसर और कार्यालय की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। DDC ने पंचायतों का आवंटन करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और 15वीं वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की निगरानी का निर्देश दिया है। निरीक्षण के क्रम में प्रखंड में रखी जाने वाली पंजियों जैसे योजना पंजी, मुख्यमंत्री कन्या विवाह पंजी और सामाजिक सुरक्षा पंजी का भी अवलोकन किया गया और इन्हें विधिवत संधारित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही RTPS काउंटर का निरीक्षण किया गया, जहां प्राप्त आवेदनों का निस्तारण समय पर सुनिश्चित करने और उसकी सतत समीक्षा के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर जिले के सजौर थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद मंजू देवी नामक महिला ने कीटनाशक दवा खा ली। वहीं घटना के बाद उसे गंभीर स्थिति में भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतका के पति ज्योतिष चंद्र ने बताया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मंजू देवी ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है और परिजन व स्थानीय लोग काफी दुखी हैं। किसमें पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, उसी में दवाई खा ले। कौन दवाई खाया था? पोच। फल सब्जी धोने वाला कब खाई थी? कौन तक 4 बजे हमको मालूम पड़ा कल। तो फिर क्या किए? उसके बाद फिर मैं तो यहाँ क्या इलाज के दौरान मौत हुआ था? कल ही मौत हो गया? हाँ, कल 2-4 बजे रात में, 8 बजे 8 बजे रात में मौत हुआ है। क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का? मंजू देवी। मंजू, उम्र कितना होगा? 30 बरस। तुम्हारा क्या नाम है? ज्योतिष ठाकुर। कहाँ के रहने वाले तुम? सनोखर। सनोखर। बाल बच्चे हैं? 4 हैं। शादी कब हुई थी तुम्हारी? शादी उतना मालूम कहाँ है।